अंतरहीन घटिया भाषा, यात्रियों से बदसलूकी की, परिवहन नियमों की धज्जियां उड़ाना, गुंडई, मनमानी और सरकार को चूना लगाना, ये कुछ खास पहचान है दिल्ली सरकार की सबसे लाडली क्लस्टर बसों की। ब्लू लाइन की तरह ये बिगड़ायल बसें भी अब हैवानियत पर उतर आई हैं, जनता से बदतमीजी करती हैं। लेकिन दिल्ली सरकार न जाने कौन से प्रेम के बंधन में बंधी है जो इन पर कोई लगाम नहीं लगा रही। ताजा मामला कल दिल्ली के जहांगीरपुरी का है, जहां पर यात्री मक्खन सिंह के पास मंथली पास होने के बावजूद उसे क्लस्टर बस के ड्राइवर ने गाली गलौज और डंडा मारने की धमकी देकर उतार दिया। बस का कंडक्टर बार बार सवारी के साथ ड्राइवर को गलत व्यवहार करने से मना करता रहा, लेकिन बस का बदतमीज चालक यात्री के साथ दुर्व्यवहार करता रहा। आपको बता दें कि यह क्लस्टर बस रूट नंबर 145 और रानीखेड़ा डिपो 2 की है। बस का नंबर DL1P D4734 है। इस संबंध में DTC कर्मचारी एकता यूनियन के महामंत्री ललित चौधरी ने कहा कि DTC का मंथली पास दिल्ली की क्लस्टर बसों में भी लागू होता है, लेकिन क्लस्टर बसों का ऐसा रवैया गलत है और यूनियन इसका कड़ा विरोध करती है। यूनियन का कहना है कि क्लस्टर बसों में भी DTC की तरह 10वीं पास और 3 साल का हैवी व्हीकल पुराना लाइसेंस धारक को ही चालक बनाया जाए, जिससे वह यात्रियों से बदतमीजी ना कर सकें। आइए आपको सुनाते हैं इस संबंध में क्या कहना है ललित चौधरी का। आज वर्तमान में दिल्ली सरकार ने DTC की जो स्थिति की है वो सबके सामने है। साथियों, ये DTC के कर्मचारियों के साथ ही नहीं, दिल्ली की जनता के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। इन नियमों को बिल्कुल ताक पर रखकर क्लस्टर में चाहे एक दिन पुराना लाइसेंस हो, बस हैवी लाइसेंस होना चाहिए और उस हैवी लाइसेंस के ब्याह पर क्लस्टर बस में भर्ती कर दिया जाता है। ड्राइवर को लाने वाले को 1000 रुपये कमीशन भी दिया जाता है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर इन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि चाहे 0 हो 1 हो 2 हो 10वीं 5वीं, कुछ भी पढ़ाओ ना पढ़ाओ, अनपढ़ हो उसे भर्ती कर लिया जाएगा। और वही अनपढ़ आदमी दिल्ली की जनता के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, इस जो साथ में मैं वीडियो भेज रहा हूँ उसमें देखा जा सकता है। मंथली पास होने के बावजूद ड्राइवर सवारी से कहता है इसमें पास नहीं चलता है, DTC का पास है, DTC में चलाओ। नए नए प्रकार की गालियां बकता है जो मैं शायद बता नहीं सकता, मैं बताऊंगा तो शायद मुझे भी शर्म आ जाएगी, चाहे वो DTC का स्टाफ हो चाहे दिल्ली की जनता हो। तो सभी से विनम्र निवेदन है, दिल्ली सरकार से अपील करें, लेकिन कम से कम सभ्य ड्राइवर सभ्य कंडक्टर भर्ती करो। और दिल्ली की जनता के साथ ये आप जो धोखा दे रहे हो, ये धोखा ठीक नहीं है। अगर दिल्ली की जनता ने धोखा दिया तो शायद आपका क्या होगा, अभी तो जनता झेल रही है, फिर आप भी झेलोगे। वहीं जब बस के कंडक्टर से यूनियन ने बात की तो कंडक्टर ने कहा कि यह ड्राइवर बस में ना तो महिलाओं को बैठने देता है और ना ही पास धारकों को, मेरे मना करने के बाद भी नहीं मानता, सिर्फ टिकट लेने वाले यात्रियों को ही बस में बैठने देता है। क्लस्टर बसों का यह रवैया दिल्ली सरकार को प्रभावित क्यों नहीं कर रहा, इसका पता लगाना मुश्किल है। दिल्ली सरकार जनता की सेवा की बात करती है और उसकी लाडली क्लस्टर बसें जनता को गालियां बकती हैं। दिल्ली सरकार बार बार शिकायत के बाद भी मुंह और कान बंद क्यों करे बैठी है, इस समझ से परे है। इस संबंध में दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री कैलाश चंद ने कहा कि क्लस्टर बसें प्राइवेट हैं और उन्हें जनता सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वहीं DTC हमेशा जनता की सेवा भाव से काम करती है, लेकिन सरकार फिर भी DTC के बेड़े को लगातार कम करने पर तुली है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की क्लस्टर बसों की मनमानी झेलने की मजबूरी समझ से परे है। सरकार को जल्द क्लस्टर बसों पर लगाम लगानी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि क्लस्टर बसें तो चलें लेकिन आने वाले समय में दिल्ली सरकार पर जनता ही लगाम लगा दे। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।